हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक एंड फ्लो क्या है। स्टॉक के बारे में मैंने ये बताया था आपको, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय पर स्टॉक आपके पास क्या आइटम है, दैट इज स्टॉक। और फ्लो इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि के अंतर्गत फ्लो के अंतर्गत मापन किया जाता है। क्लास 12th में वन मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज स्टॉक और फ्लो, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन विद रीजन। आपको रीजन भी देना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पूछा जाता है कि वेदर इट इज स्टॉक और फ्लो। आप जवाब देंगे फ्लो। इसके साथ साथ यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो, आपने एक्सप्लेन भी करना है। जैसे जीडीपी इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, तो ये जो जीडीपी है इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मेजरमेंट एक समय अवधि के दौरान किया जाता है, देयरफॉर इट इज फ्लो। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31st March 2020, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट इज स्टॉक एज दे आर रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय देकर के आपसे पूछा गया है कि इस डेट को आपके बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट है। तो जहां एक निश्चित समय दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, दैट इज स्टॉक, और जहां एक समय अवधि के दौरान पूछा गया है, दैट्स फ्लो। थर्ड वन इज वेल्थ, इट इज स्टॉक बिकॉज वेल्थ इज रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय पूछा जाता है कि आपके पास कितनी वेल्थ है, इस समय तक देश के अंदर कितनी वेल्थ है, या 2020 में जो मार्च एंड था तो हमारे देश के पास कितनी वेल्थ थी। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन, इट इज फ्लो बिकॉज प्रोडक्शन इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये इतना एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा वन मार्क के क्वेश्चन है, वन मार्क मिलेगा। तो प्रोडक्शन एक अवधि के दौरान मापन किया जाता है, देयरफॉर इट इज फ्लो। लॉस, इट इज फ्लो एंड लॉस इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी समय अवधि के दौरान इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट, इट इज फ्लो एज प्रॉफिट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी समय अवधि के दौरान प्रॉफिट को मापन किया जाता है कि कोई भी बिजनेस किसी व्यक्ति ने खोला हुआ है कि भाई 10 months में कितना प्रॉफिट हुआ, तो देयरफॉर इट इज फ्लो। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31st March 2020, अब आपसे पूछा गया कि 31st March 2020 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये पर्टिकुलर एक टाइम को पॉइंट आउट करते हुए आपसे पूछा गया है, देयरफॉर इट इज स्टॉक एंड यू हैव टू गिव द रीजन एज पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज स्टॉक, इसलिए स्टॉक है। सेविंग्स फ्लो, कितने टाइम में, कितने महीने में आपके 10,000 सेविंग्स हुई, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, फ्लो। नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, किसी व्यक्ति ने बिजनेस खुला हुआ है और दिसंबर के महीने में आपसे पूछ लिया गया कि कितने व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, तो एक ये ड्यूरेशन है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, देयरफॉर इट इज फ्लो। एंड लास्ट वन इज रॉ मटेरियल इन ए गोदाम एज ऑन 31st Jan 2020, 31 जनवरी 2020 में एक गोदाम में कितना रॉ मटेरियल है, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम को पॉइंट आउट करते हुए पूछा गया, देयरफॉर इट इज स्टॉक। तो ये इस तरीके से अगर आप विद रीजन एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वन, पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। थोड़ा सा इसको और क्लियर करेंगे दोस्तों कि फाइनेंशियल मार्केट यदि बीच में आता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, उसका क्या रोल होता है। हाउसहोल्ड्स ने जितनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रदान की
और फर्म्स ने इसके बदले में हाउसहोल्ड को जो फैक्टर पेमेंट दी, तो हाउसहोल्ड या तो उसके पूरे का 100% उसको कंज्यूम कर लेता है। लेकिन इसके मन में एक सवाल उठता है कि 100% अगर मैंने कंजप्शन में ही खर्च कर दिया तो किसी इमरजेंसी आने पर मैं पैसे का कहाँ यूटिलाइज, किस तरीके से यूटिलाइज करूंगा। तो ये डिसीजन लेते हुए हाउसहोल्ड ये सोचते हैं कि कुछ परसेंटेज सेविंग्स कर ली जाए, तो उस सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट FM फाइनेंशियल मार्केट में वो डिपॉजिट करा देता है। फर्म्स इधर फर्म्स भी फाइनेंशियल मार्केट में अपना कुछ पार्ट, कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेविंग्स करा देती हैं। और यदि फर्म्स को आइटम्स के प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है तो वो बोरो भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हाउसहोल्ड्स भी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें किस तरीके से अपना बेनिफिट लेते हैं, और फर्म्स का भी फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल होता है। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर फ्लो इन अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी। त्रिचक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, पैसे का, पैसे कैसे किस तरीके से फ्लो होता है सर एक त्रिचक्रीय इकोनॉमी में, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इट कि देयर आर थ्री फैक्टर्स, तीन चीजें होती है इसके अंतर्गत, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर। हमें इस तरीके ये देखना है कि इन तीनों का आपस में जो त्रिचक्रीय अर्थव्यवस्था है इन तीनों का क्या योगदान है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हाउ द गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू बेनिफिट अदर्स। नंबर वन, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू द हाउसहोल्ड्स। सबसे पहले हम ये देखना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हाउसहोल्ड्स को क्या क्या प्रदान करती है। नंबर वन, फैक्टर पेमेंट फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जो हाउसहोल्ड सेक्टर है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रदान करता है, तो गवर्नमेंट भी अगर अपने लेवल पे कोई इंडस्ट्री उसने लगाई हुई है, कोई कंपनी खोली हुई है, उससे अगर फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होती है तो वो हाउसहोल्ड से हायर करती है और इसके बदले में वो उनको फैक्टर पेमेंट देती है। जैसे लैंड के बदले में अगर किसी फार्मर ने, किसी किसान ने गवर्नमेंट को अपनी लैंड दी हुई है तो उसके बदले में वो उसको रेंट देती है। लेबर के लिए उसे मेंबर्स लिए हुए हैं तो गवर्नमेंट उसको वेजेस एंड सैलरी के रूप में प्रदान करती है। और इसी तरीके से अगर उनकी जो प्रॉफिट का हिस्सा है तो उसका भी पेमेंट करती है। तो गवर्नमेंट फैक्टर सर्विसेज को हायर करने के बदले में फैक्टर पेमेंट देती है। नेक्स्ट वन इज, अब केवल फैक्टर पेमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट हमारी ट्रांसफर पेमेंट भी देती है हाउसहोल्ड्स के लिए, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। इस तरीके से गवर्नमेंट से हाउसहोल्ड के लिए मनी का इस तरीके से फ्लो है। अब हम ये देखेंगे फिर हाउसहोल्ड गवर्नमेंट को किस तरीके से पेमेंट करता है। तो टैक्स पेमेंट लाइक इनकम टैक्स एंड हाउस टैक्स। गवर्नमेंट ने जो फैक्टर सर्विसेज हायर करने के बदले में फैक्टर पेमेंट दी थी, तो जो हाउसहोल्ड्स भी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, हाउस टैक्स के रूप में पेमेंट करता है, जो एक गवर्नमेंट के लिए एक संसाधन है, रिसोर्सेज हैं इनकम के। अब नेक्स्ट में, अब गवर्नमेंट का फर्म्स के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है। तो अब आप ये देखो कि गवर्नमेंट किस तरीके से फर्म्स को क्या क्या पेमेंट करती है। पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स, इंडस्ट्री या कंपनियां जो सेटअप की हैं गवर्नमेंट ने और फर्म्स ने जो प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो गवर्नमेंट उनको परचेज कर लेती है और उसके बदले में फर्म्स को पेमेंट देती है। और क्या बेनिफिट देती है फर्म्स को गवर्नमेंट? ग्रांट सब्सिडीज। जहां भी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है और पब्लिक से
उससे ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट उनके प्रोडक्शन को और उनके संसाधनों को प्रोवाइड कराने के लिए सब्सिडी भी प्रदान करती है, कम रेट्स भी देती है। जैसे एक एलपीजी का सिलेंडर यदि उसकी कॉस्ट 1000 रुपीज आ रही है तो फर्म्स को सब्सिडी दे करके वो पब्लिक को 600 रुपीज में प्रोवाइड कराया था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी देती है। अब नेक्स्ट है कि फर्म्स भी गवर्नमेंट को क्या प्रदान करती है, फर्म्स प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फर्म्स गवर्नमेंट से जो फैक्टर पेमेंट लेती हैं उसके बदले में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पेमेंट करती हैं। तो गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा, आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास सबसे मेजर सोर्स जो होता है इनकम का वो टैक्स ही होता है। अब लास्ट वन इज फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट को का ट्रांजैक्शन किस तरीके से रहता है। अब ये देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग कि गवर्नमेंट सेव्स एंड बोरोज मनी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जो बनी हुई है, जैसे जिसमें बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, तो गवर्नमेंट उसमें जो भी अपना पैसा सेव करती है, टैक्सेस से मान लीजिए एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है या अन्य रिसोर्सेज से उसके पास पैसा आया हुआ है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट में सेव करके डिपॉजिट करा देती है जिससे उसको इंटरेस्ट के रूप में इनकम मिली या किसी इमरजेंसी के टाइम पर उस पैसे को यूटिलाइज किया जा सके। और कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसे अपनी पॉलिसी चलानी है, एजुकेशन पर पैसा खर्च करना है, हेल्थ पर पैसा खर्च करना है, तो गवर्नमेंट हमेशा फाइनेंशियल मार्केट के हेल्प से ही पैसा उधार भी ले लेती है, जिस पर वो विद इन कुछ टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म्स के लिए, ये उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, और उसके लिए वो बाद में इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा 3 सेक्टर इकोनॉमी में मनी का सर्कुलर फ्लो सीरियस होता है।